नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई 3 HP मोटर के लिए कौन सा VFD लगता है। वीडियो को बड़े ध्यान से देखना क्योंकि मैं इसमें दोनों मोटर की डिस्कस करूंगा, जो आपकी सिंगल फेस मोटर है और जो आपकी 3 फेस मोटर है। तो उन दोनों को आप कैसे चला सकते हैं, उसके लिए कौन सा VFD लगेगा। तो मैं संग्राम सिंह, SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, बात हो रही है 3 HP मोटर की। भाई सबसे ज़्यादा कमेंट इसी चीज़ को लेकर आते हैं कि सर 3 HP मोटर है हमारी, सिंगल फेस की है या हमारी 3 फेस की है, तो उसके लिए हम कौन सा VFD लगाएं। तो आज इस वीडियो में आपको VFD दिखाने वाला हूँ। तो ये मेरे पास 3 HP का VFD कंट्रोलर है, ये लूबी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का है, लूबी कंपनी का है। तो ये हमारा VFD है। अब लगभग जो 3 HP के VFD आते हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस यही है जो इस VFD की है। अब चाहे वो क्रोमटन में हो या फिर हमारा INVT वगैरह में हो, तो उन सब में जो मोस्टली जो जिसको हम कहते हैं कि सिंगल फेस मोटर के लिए, तो ये वाला VFD हमारा सिंगल फेस मोटर के लिए यूज़ होता है। लेकिन इससे आप कितने HP की मोटर चला सकते हैं, अब कहने को तो ये 3 HP का है कि भाई 3 HP की मोटर इससे चल जाएगी, लेकिन ये 3 HP की मोटर वो मोटर नहीं चलाता जो आप लोग सोचते हो। आप क्या सोचते हो कि ये 3 HP की मोटर आपकी सिंगल फेस की चला देगा या आपकी ये 3 HP की मोटर 3 फेस की चला देगा, तो ये दोनों मोटर कोई सी नहीं चलेगी। इससे केवल वो मोटर चलेगी जिसको हम कह सकते हैं सोलर वाली मोटर या फिर जो 220 वोल्ट 3 फेस मोटर है, तो उस मोटर को चलाने के लिए इस डिवाइस का उपयोग होता है। ये जो हमारा डिवाइस है इसकी जो मैक्सिमम आउटपुट एम्पेयरिंग है, अब इसकी जो मैक्सिमम आउटपुट एम्पेयरिंग है वो है 10.6। अगर हम इसी को क्रोमटन में जाएं जो यही मॉडल है उसकी आती है 9.5, और यही मॉडल हम अगर INVT में लें तो उसकी भी आती है 10.5 एम्पियर। तो ये जो मॉडल है, ये मॉडल हमारा 220 वोल्ट 3 फेस मोटर को चलाता है, यानी कि सोलर वाली मोटर को ये चलाएगा, उस मोटर को ये 3 HP मोटर को चला देगा। लेकिन अब हम बात करते हैं अगर हम सिंगल फेस में 3 HP की मोटर को चलाएं। देखिए, पहली तो बात है, हमें सबसे पहले ये समझना है कि सिंगल फेस की मोटर जो हमारी 3 HP की है वो कितने एम्पीयर लेती है। अगर हम उसकी एम्पेयरिंग पावर देखें तो उसकी एम्पेयरिंग पावर होती है 17, 18 या 16 एम्पीयर, अलग अलग ब्रांड के हैं। तो 16 से 18 एम्पीयर हम मान लेते हैं कि 16 से 18 एम्पीयर हमारी 3 HP की मोटर सिंगल फेस वाली लेगी। अब उसको चलाने के लिए हमें कम से कम ऐसा VFD ड्राइव चाहिए जो हमारी सिंगल फेस की आउटपुट देता हो और जो 16 से 18 एम्पीयर की हमारी आउटपुट देता हो। तो पहली तो बात है, ऐसा सिंगल फेस में डिवाइस नहीं आता। पहले INVT एक डिवाइस बनाती थी जिसकी आउटपुट होती थी 14 एम्पियर, लेकिन अब उन्होंने भी बंद कर दिया है। तो हमें 16 से 18 एम्पियर वाला डिवाइस चाहिए जो हमारा सिंगल फेस में हो, तो ऐसा कोई डिवाइस मार्केट में है ही नहीं। और अगर हमारे पास है भी, अगर हम मान लें अगर ऐसा डिवाइस हम बनवा लें या हम उसको ले आए उठाकर डिवाइस को, तो अब बात आती है उस पर हमारा सोलर कितना लगेगा। अब देखिए, सोलर का मैं पहले भी बता चुका हूँ भाई, आपको उसकी VOC बनानी पड़ेगी और उसकी एम्पेयरिंग बनानी पड़ेगी। अब अगर हम मान लीजिए 500 वाट के पैनल की ही मैं बात करूँ, कम से कम हमें 14 पैनल लगाने पड़ेंगे जो हमारे 500 वाट के हैं, साथ साथ की दो सीरीज, क्योंकि एक पैनल की जो आउटपुट होती है वो मान लीजिए 50 वोल्ट देगा आउटपुट में और 10 एम्पियर देगा, 500 वोल्ट की कैलकुलेशन हो गई हमारी। तो हमें उसको सीरीज करनी है 7 पैनल को, तो 7 पैनल की सीरीज में हमारा 350 वोल्ट हो गया और 10 एम्पियर हो गई, लेकिन हमें एम्पियर भी 16 से 18 चाहिए, तो उसकी डबल सीरीज हो गई। अब मेरे कहने का मतलब है 14 पैनल अगर आप 500 वाट के लगा रहे हो तो लगभग 7 किलोवाट सोलर आपका लग रहा है, और 7 किलोवाट सोलर से आप अपनी 5 HP की मोटर या फिर अगर 335 वोल्ट के पैनल में जाओ तो 7.5 HP तक की मोटर आप उन पर चला सकते हो। तो सिंगल फेस की मोटर को चलाने के लिए ज़्यादा हमें सोलर इंस्टॉल करना पड़ता है उसके एम्पियर बनाने के लिए। तो इस वजह से इस टाइप के जो डिवाइस हैं वो मार्केट में नहीं है। उसकी जगह क्या है, 10 एम्पियर से अगर ऊपर जैसे ही मोटर जाती है तो सभी कंपनियों के पास 3 फेस में डिवाइस है। तो अब हम बात कर रहे हैं इसमें अगर हम 3 HP की मोटर, अगर हम 3 HP की मोटर 3 फेस में लें, तो अगर आप 3 HP की मोटर 3 फेस में लेते हो तो उसके लिए सभी डिवाइस उपलब्ध है। INVT में उसके लिए डिवाइस आपको मिल जाएगा, क्रोमटन में मिल जाएगा, लूबी में मिल जाएगा। अब जो क्रोमटन में या लूबी में जो डिवाइस मिलेगा वो आपका सोलर वाला ही मिलेगा, वो आपका 5 HP का ही मॉडल मिलेगा, क्योंकि 5 HP के मॉडल से आप अपनी 3 HP की भी चला सकते हो
और उससे ही आप 5 HP की मोटर भी चला सकते हो। तो वही डिवाइस आपका जो 5 HP वाला है वही आपका 3 फेज में यूज हो जाएगा, तो उससे आपकी 3 HP की जो 3 फेज मोटर है वो आराम से चल जाएगी। अब इसमें क्या है, इसमें हो क्या रहा है, अगर आप मान लीजिए हम इसी की बात करें, अगर हम 3 HP की मोटर जो हमें 3 फेज वाली अगर हमें वो चलानी हो तो उसके लिए हमें कितना सोलर लगाना पड़ेगा। अगर हम उसमें सोलर की बात करें, अब उसके सोलर के लिए आपको आउटपुट चाहिए उसमें 6 से 7 एम्पियर, 335 वोल्ट का पैनल भी वहां पर चल जाएगा, वोल्ट आपको 600 बनानी है वहां पर, तो 600 वोल्ट बनाने के लिए उसमें आपने 14 पैनल लगा दिए, तो 14 पैनल हो गए आपके, और 14 पैनल से ही आपकी 335 वोल्ट के वो आपकी 3 HP की मोटर चल जाएगी। जैसे ही आपको 5 HP चलानी हो तो 2 पैनल और लगा लो। तो ये एक रीजन है सिंगल फेस मोटर को चलाने के लिए डिवाइस में सोलर की कैपेसिटी ज्यादा बढ़ानी पड़ रही है और उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा आ रही है। और अगर आप सोलर की कैपेसिटी बढ़ा ही रहे हो तो आप 3 फेज मोटर में जाओ, क्योंकि 3 फेज मोटर आपकी बढ़िया चलेगी, उसकी एम्पियरिंग भी कम है, उसमें आपके सोलर पैनल भी कम इंस्टॉल हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप सिंगल फेस में, चाहे आप 3 HP पे चले जाओ या फिर आप कई बार फोन आते हैं कि सर हमें 5 HP चलानी है या 5 HP पे चले जाओ, तो उनको चलाने में तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि उनके लिए मार्केट में डिवाइस ही उपलब्ध नहीं है। अगर आप 3 HP मोटर का प्लान कर रहे हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप 3 HP की मोटर 3 फेज में लें ताकि वो आपके आराम से रन हो जाए, या फिर 3 HP की मोटर आप सोलर वाली लें, लेकिन सोलर वाली की रिपेयरिंग थोड़ी सी हार्ड है, तो वो लोकल में उसकी रिपेयरिंग कहीं नहीं होती। तो मेरे हिसाब से आप अगर 3 HP मोटर की तरफ जाते हैं और सोलर से आप उसको चलाना चाह रहे हैं तो 3 फेज मोटर में जाएं, वो मोटर आपकी बढ़िया चलेगी सोलर से। तो भाई ये थी आज की वीडियो, इससे संबंधित अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।